Hello my dear students, today we are going to learn English 2, chapter number 11, run, runs, go, goes, try, tries. My dear students, मैंने अगले लेक्चर में इस चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया था और एक या दो एक्सरसाइज भी करवाई थी, बट अभी इसमें थोड़ी एक्सरसाइज बाकी है तो वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो उसके पहले हम चैप्टर का थोड़ा रिवीजन वापस कर लेते हैं, ठीक है। नाउ सी, डूइंग वर्ड प्लस एस। सम डूइंग वर्ड्स दैट रिफर टू एन एक्शन इन द प्रेजेंट टेक ओनली एस विथ अ सिंगुलर नेमिंग वर्ड एंड द प्रोनाउंस ही सी एंड इट। माई डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे सिंगुलर वर्ड्स डूइंग वर्ड प्लस एस। अनुज रन्स फास्ट मीन्स अनुज की जो दौड़ने की जो एक्शन है वो चल रही है। अनुज रन्स फास्ट, अनुज जल्दी से रन कर रहा है मीन्स दौड़ रहा है, मीन्स वो दौड़ने की उसकी प्रोसेस जो एक्शन है वो भी चल रही है। वो टाइम पे मीन्स अभी जो प्रेजेंट में जो एक्शन हो रही है तब डूइंग वर्ड के साथ हम क्या ऐड करेंगे? एस। बट कब? जब ये सिंगुलर वर्ड्स होंगे तब। इज इट क्लियर? सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स या तो सिंगुलर प्रोनाउंस ही सी इट होगा और जो एक्शन है वो अभी प्रेजेंट में चल रही है तब डूइंग वर्ड प्लस एस आएगा। समझ में आ रहा है? अनुज रन रन्स फास्ट, कविता रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, सी रन्स फास्ट, इट रन्स फास्ट, बट रन प्लस एस, रन प्लस एस रन्स। तो ये एस कब ऐड होगा? जब यहाँ पे सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स होंगे या फिर सिंगुलर प्रोनाउंस होंगे तब डूइंग वर्ड प्लस एस आएगा। और दूसरा, डूइंग वर्ड्स डू नॉट टेक एस विथ अ प्लूरल नेमिंग वर्ड एंड प्रोनाउंस वी यू एंड दे। जब प्लूरल नेमिंग वर्ड होंगे और प्लूरल प्रोनाउंस होंगे वी यू दे तब डूइंग वर्ड एस नहीं आए, डूइंग वर्ड के साथ एस नहीं आएगा। जो भी डूइंग वर्ड है वो एज इट इज लिखना है। इज इट क्लियर? यस। प्लूरल नेमिंग वर्ड्स, देखो यहाँ पे अनुज एंड कविता दो नेम है तो ये डूइंग वर्ड जो है वो ही रहेगा, उसके साथ हम एस नहीं लिखेंगे। और आई के साथ भी रन का रन ही रहेगा और प्लूरल प्रोनाउंस वी यू दे उसके साथ भी रन का रन ही रहेगा, हम डूइंग वर्ड के पीछे एस ऐड नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? यस। फिर है डूइंग वर्ड प्लस ई एस। सम डूइंग वर्ड्स डैट रिफर टू एन एक्शन इन द प्रेजेंट टेक ई एस विथ सिंगुलर नेमिंग वर्ड एंड द प्रोनाउंस ही सी एंड इट। देर इज नो चेंज इन धैम वेन दे आर यूज विथ प्लूरल नेमिंग वर्ड एंड द प्रोनाउन आई वी यू एंड दे। माई डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे डूइंग वर्ड्स होते हैं जो एंड होता है ओ सी एच एक्स एस एच, तो उसके पीछे हम क्या लिखेंगे? ई एस। कोई ऐसे डूइंग वर्ड्स होते हैं जो एंड होता है सी एच एस एच एक्स डबल एस ओ और सिंगल एस, तो हम उसके पीछे क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें ई एस ऐड करना पड़ेगा। क्या? ई एस। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल गो, तो
ये गो प्लूरल नेमिंग वर्ड्स या फिर प्लूरल प्रोनाउंस वी यू दे है तो गो का गो ही रहेगा, बट सिंगुलर प्रोनाउंस है और सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स है तो उसके साथ गो का क्या होगा, गोज मीन्स गो प्लस ई एस। आर यू अंडरस्टूड? यस। देखो यहाँ पे है अनुज गोज कविता गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली, सी गोज टू स्कूल डेली। यहाँ पे प्लूरल वर्ड्स कविता आई वी यू दे क्या आएगा, गो। आर यू अंडरस्टूड? यस। फॉर एग्जाम्पल डूइंग वर्ड है टीच, टी ई ए सी एच, तो हम क्या आएंगे, टीचिस, और यहाँ प्लूरल के साथ आएगा टीच। आर यू अंडरस्टूड? यस। वैसे ही यहाँ पे है कोई डूइंग वर्ड्स ऐसा होता है कि एंड होता है वाई से, फॉर एग्जाम्पल क्राई, तो एंड में क्या आता है वाई, तो वाई को निकाल के आई लिखना है प्लस ई एस। इज इट क्लियर? वाई की जगह पे आई प्लस ई एस, कब, जब सिंगुलर वर्ड्स है तब, और सिंगुलर प्रोनाउंस ही सी इट, ओके, और प्लूरल है तो क्राई का क्राई रहेगा। देखो यहाँ पे है ट्राइस, टी आर वाई ट्राई, तो वाई को निकाला आई ई एस रखा यहाँ पे, है ना, वैसे। इज इट क्लियर? ओके, तो हमने ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट कर ली थी, अब ये एक्सरसाइज हमारी बाकी है। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डूइंग वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे क्या करना है, यस, ब्रैकेट में देखो डूइंग वर्ड्स दिए गए हैं, ओके, तो उसको आपको करेक्ट फॉर्म में लिखना है, ओके, मीन्स आपको आगे देखना है कि जो वर्ड नेमिंग वर्ड से या तो जो प्रोनाउंस है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से हम डूइंग वर्ड्स यहाँ पे लिखेंगे और उसके पीछे एस ई एस ऐड करना है कि नहीं करना है वो भी हमें इसमें देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, द सन सिंगुलर, यस, सन सिंगुलर एक ही नेमिंग वर्ड है, यस, तो राइस के पीछे क्या लिखेंगे, एस, तो राइस प्लस एस क्या हो गया, राइस। इज इट क्लियर? फिर है दीज शॉप्स, दीज शॉप्स, शॉप्स प्लूरल, शॉप्स वो क्या है, प्लूरल नेमिंग वर्ड है ना, शॉप्स है वो प्लूरल नेमिंग वर्ड है, तो उसमें क्लोज का क्लोज ही रहेगा। दिस शॉप्स क्लोज एट 9 PM। फिर है दिस चिल्ड्रन, चाइल्ड होता तो ये सिंगुलर है, चाइल्ड है वो सिंगुलर है, बट चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, तो ये प्लूरल नेमिंग वर्ड हो गया, तो डू का डू रहेगा। दिस चिल्ड्रन डू योगा डेली, ओके। फिर है द प्लम्बर ब्लैंक द पाइप्स, प्लम्बर एक ही प्लम्बर है, प्लम्बर एक ही है ना, तो फिक्स के पीछे क्या ऐड करेंगे, ई एस। मैंने आपको बताया ना कि सी एच एस एच एक्स ओ एस डबल एस, उसके पीछे क्या ऐड होगा, ई एस, तो फिक्स एफ आई एक्स, एक्स के पीछे आएगा ई एस, फिक्सिस द पाइप्स। फिर है द फर्स्ट बस, द फर्स्ट बस ब्लैंक फॉर चेन्नई एट 5:30 AM, द फर्स्ट बस ब्लैंक फॉर
चेन्नई एट 5:30 AM। फर्स्ट बस, ओनली वन बस, बस है तो ये सिंगुलर है। बस ये सिंगुलर नेमिंग वर्ड है, इसके पीछे बी यू एस ई एस होता तो ये बसेस होता, तो ये क्या बन जाता, प्लूरल नेमिंग वर्ड बन जाता। बट ये एक ओनली बस है तो लीव का क्या होगा, लीव्स। तो बस लीव्स मीन्स एल ई ए वी ई प्लस एस, लीव के पीछे हम ऐड करेंगे एस, लीव्स फॉर चेन्नई एट 5:30 AM। फिर है सिक्स नंबर, द व्हील्स ऑफ द बस ब्लैंक राउंड एंड राउंड। द व्हील्स ऑफ द बस, बस के कितने व्हील्स होते हैं, यस एक 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 व्हील पे तो बस नहीं चलती ना, फोर व्हील्स, चार चार पेड़े होते हैं ना बस के, यस इसीलिए यहाँ पे लिखा है व्हील्स। ऐसे बस होती है तो ये बस एक व्हील पे चलती है, नो उस पर फोर व्हील्स होते हैं ना, तो यहाँ पे है व्हील्स, तो ये प्लूरल, बहुत सारे व्हील्स हैं, यस तो ये प्लूरल बन गया, तो गो का गो रहेगा। इज इट क्लियर, यस। नाउ सी नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स, आंसर दिस क्वेश्चंस टू डिस्क्राइब साहिल्स रूटीन वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब देखो यहाँ पे साहिल का पूरे दिन का रूटीन बताया है कि वो सुबह 6 बजे उठता है तो शाम तक उसका रूटीन क्या रहता है, उसके यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर हमें लिखना है। देखो पहला यहाँ पे लिखा है व्हाट टाइम डज साहिल वेकअप, साहिल कितने बजे उठता है, व्हाट टाइम डज साहिल वेकअप। तो आंसर लिखा है ही वैक्स अप, ही वैक्स, क्यों ही है वो क्या है, प्लू सिंगुलर प्रोनाउंस, तो सिंगुलर प्रोनाउंस और सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स के साथ डूइंग वर्ड प्लस एस आएगा। इज इट क्लियर, इसीलिए यहाँ पे ही सिंगुलर प्रोनाउन, वैक्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके साहिल सुबह कितने बजे उठता है, 6 o'clock, 6 बजे। फिर वो क्या करता है, व्हाट डज ही डू आफ्टर ही वैक्स अप, साहिल 6 बजे उठ जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, ही टेक्स, ही टेक्स बाथ आफ्टर ही वैक्स अप, मीन्स साहिल उठने के बाद वो क्या करेगा, नहाता है, ही टेक्स बाथ, ही सिंगुलर प्रोनाउंस, टेक डूइंग वर्ड प्लस एस, टेक्स। इज इट क्लियर, फिर नहा लिया उसके बाद क्या करेगा, व्हाट डज ही डू नेक्स्ट, साहिल 6 o'clock उठ गया, फिर उसने नहा लिया, उसके बाद क्या करना है, ही डज रेडी फॉर स्कूल, डू डू का क्या हुआ, डज, ही डज रेडी फॉर स्कूल, फिर साहिल स्कूल के लिए रेडी हो गया, रेडी हो गया। फिर हाउ डज ही गो टू स्कूल, अब वो स्कूल कैसे जाएगा, आंसर ही गोज टू स्कूल बाय बस, गो यहाँ पे ही सिंगुलर प्रोनाउन तो गो का प्लस ईएस तो क्या हो गया, गोज। इज इट क्लियर, ही गोज टू स्कूल बाय बस, साहिल स्कूल कैसे जाएगा, बस से, बाय बस। फिर व्हाट डज ही डू इन द इवनिंग्स, वो स्कूल से वापस आएगा फिर साहिल क्या करेगा, यस ही प्लेज विथ हीज फ्रेंड्स इन द इवनिंग, क्या करेगा, ही प्लेज उसके फ्रेंड्स के साथ खेलेगा, क्या करेगा, उसके साथ फ्रेंड्स के साथ खेलेगा, यानी कि इवनिंग में उसके सारे फ्रेंड्स से उसके साथ वो खेलने के लिए जाएगा, ही प्लेज विथ हीज फ्रेंड्स इन द
इवनिंग। क्या कर रहा है वो? उसके फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है। फिर व्हाट डज ही डू एट द एंड ऑफ द डे? एंड ऑफ द डे मीन्स नाइट, रात को फिर क्या करेगा? ही स्लीप्स एट द एंड ऑफ द डे। क्या करेगा? साहिल सो जाएगा। तो वापस सुबह 6 o'clock उठेगा। उठने के बाद क्या करेगा? ही टेक्स बाथ। नहा लिया, नहाने के बाद क्या करेगा साहिल? स्कूल के लिए रेडी होगा। देन ही गोज टू स्कूल बाय बस। स्कूल जाएगा बस से, फिर वापस आके उसके फ्रेंड्स के साथ खेलना है। खेलने के बाद वापस शाम को क्या करेगा? सो जाएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या सीखा? चैप्टर नंबर 11, रन रन्स, गो गोस, ट्राई ट्राइज। ये चैप्टर में डूइंग वर्ड्स प्लस एस डूइंग वर्ड प्लस ई एस डूइंग वर्ड प्लस आई ई एस। तो ये एस ई एस आई ई एस किसके साथ हम यूज़ करेंगे? डूइंग वर्ड प्लस एस कब यूज़ होगा? जब सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स होगा या तो सिंगुलर प्रोनाउंस होंगे। इज इट क्लियर? तब हम डूइंग वर्ड के साथ एस ई एस और आई ई एस यूज़ करेंगे। जब प्लूरल नेमिंग वर्ड्स है या तो प्लूरल प्रोनाउंस है तो डूइंग वर्ड के साथ हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये सारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस है वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, लर्न करना है और आपको होमवर्क सबमिशन में सबमिट करवाना है। तो फिर मैं चेक भी कर लूँगी। ठीक है, थैंक यू।